थर्सडे बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, मतलब समर वेकेशन के बाद आज फर्स्ट डे था। और मेरी पूजा हो गई है और टाइम दिखाती हूँ मैं, साढ़े आठ हो गई है, मतलब हो गया है, सॉरी 8:30 हो चुका है और पूजा वगैरह हो चुकी है मेरी। पूजा हो गई है लेकिन घर की सफाई अभी नहीं हुई है क्योंकि मेड आती है 9 बजे, तो मैं पूजा बस मैंने साफ़ करके नहा के पूजा वगैरह कर लिया था क्योंकि अभी बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो मेड आती है 9 बजे तो झाड़ू पोछा करके बर्तन करके चली जाएंगी। तो तब तक मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज बन रहा है हमारा फेवरेट, नाश्ता के लिए फेवरेट है हमारा घुगनी, काले चने की जो घुगनी बनती है वो, या मतलब हल्का फुल्का ही नाश्ता करने का आजकल मन करता है, गर्मी में ज़्यादा हैवी नहीं खाने का मन करता है कुछ भी, तो या तो पोहा हो गया, उपमा हो गया, या फिर ये घुगनी हो गई। और सारी विंडो वगैरह मैंने खोल दी है ताकि अच्छे से सब लाइट वगैरह आती रहे, तो ऐसा है। और नहाना वहाना तो हो ही गया है, कपड़े डाल दिए हैं, जो कुछ कपड़े थे डालने को वो मशीन चल रहा है तो हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो ही गया है, बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। और सिर में ना घमौड़ी हो गई है, मतलब छोटी छोटी जो नहीं जाती है वो गर्मियों की वजह से घमौड़ियाँ वो हो गई है, इस वजह से ना इतना ज़्यादा इचिंग हो रहा है ना सिर, ऐसा लग रहा है मतलब किसी के सामने अगर ऐसे करेंगे तो लगेगा कि जू हो गया सिर में, लेकिन जू नहीं है, बहुत ज़्यादा घमौड़ी हो गई छोटी छोटी, क्योंकि पटना में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पटना में ही मुझे हुई, मतलब पटना में मैं थी ना उसी समय मुझे ये सिर में हो गया था, तो ये गर्मी तो सही बहुत ज़्यादा है इस बार, हर जगह गर्मी हो गया था, तो इसलिए भी मैं हर दूसरे दिन शैम्पू कर ले रही हूँ क्योंकि ना सारे स्कैल्प्स ना पूरे ऑयली हो जाते हैं, पूरा अजीब टाइप सा स्मेल आने लगता है हेयर से। तो और कल एक खा लिया था तो उसके लिए भी ज़रूरी था आज पूजा करने के पहले हेयर वॉश कर लो, तो हेयर वॉश किया है, तो ये है। तो चलिए अब नाश्ता वगैरह बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो नाश्ता पानी हो गया है और ये घुगनी बनी थी तो ऐसी कुछ है घुगनी, और दाल बना दिया है मैंने और सब्जी बना रही हूँ, आलू बैंगन, और मम्मी ने बनाई थी घर में बड़ी तो इसको भी डाल देंगे, बैंगन आलू और बड़ी की सब्ज़ी। तो ये है, और अभी टाइम हो रहा है 10, तो मैं बना लूँगी तो फ्री हो जाऊँगी 1-2 घंटे के लिए, तो फिर आराम करेंगे, उसके बाद बच्चे आएंगे 1:45 या 1 बज ही जाएगा, तो उसके बाद उस समय चावल चढ़ाएंगे ताकि वो लोग आएँ तो खाना खा लें गरम गरम। तो यहाँ पे मैं खाने वाना बना रही हूँ और ये वीडियो मतलब पिछले थर्सडे का है और आज मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ इसका। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी चल रही है क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल मॉर्निंग है तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, 6 बजे तक बच्चे चले आते हैं, उसके बाद सारा काम और खाना वाना बनाते बनाते 10:30 हो जाता है, और जो 4 बजे मैं उठती हूँ ना तो इतनी तेज़ वाली नींद आती है कि मैं क्या बताऊँ। तो 1 घंटा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर 12:30-1 तक बच्चे आ जाते हैं, फिर खाना वाना खाते सारा किचन सेट करते करते ना 3 बज ही जाता है, 3 बजता है, उसके बाद फिर बच्चों को थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह देखना होता है, करवाना होता है, तो उसमें बिज़ी हो जाती हूँ, तो मुझे ना वीडियो के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, मतलब मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मतलब टाइम तो है ही बट मैं मैनेज मेरे से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब अब नहीं जा पा रहा है, तो मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है कि क्या मैं करूं, लेकिन देखते हैं कहां तक क्या हो सकता है, तो कोशिश तो करूंगी मैं कि वीडियो जा सके, क्योंकि
मतलब जब वीडियो नहीं जाता है, वीडियो मैं नहीं शूट करती हूँ ना, तो मुझे ही अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं देखते हैं, मतलब एक्सक्यूज़ मैं क्या दूँ, लेकिन देखते हैं जहाँ तक हो सकेगा मैं करूँगी ही करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं खाना वाना मैं बना रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंगन आलू और बड़ी की सब्ज़ी बना रही थी, और सुबह नाश्ते में मैंने घुगनी बनाई थी काले चने की। तो आटा लगाया हुआ था क्योंकि पापा जी को नाश्ते में मतलब रोटी वगैरह खानी थी, तो मैं रोटी यहाँ पर बना रही थी। तो बस यही है। और गर्मी से अभी फ़िलहाल तो थोड़ी राहत हो गई है, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश हो रही थी यहाँ जसीटी में, तो थोड़ी ठंडक हो गई है। बट स्टिल अभी गर्मी है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो तब तक तो ठंडक रहती है, लेकिन उसके बाद से फिर से धूप बहुत तेज़ वाली हो जाती है। तो कोई फ़र्क वैसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी पहले के अकॉर्डिंग गर्मी कम है, तो थोड़ी राहत है। और बस अब मेड वगैरह भी मेरी अब आने लगी हैं, मेड मैंने दूसरी मेड रख ली है, तो होप है कि मतलब होप करती हूँ कि अब टाइम वगैरह मिल पाएगा। लेकिन फिर भी वही है ना कि आप कितना भी करो, देखो 6 बजे बच्चे चले जाते हैं, तो उसके बाद टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो ये है। और ये देखिए शाम का समय है, यहाँ बारिश हो रही थी तो बच्चे सारे नहा रहे थे। आयु है, वसु, सानवी है, और उसके साथ साथ ओरियो भी नहा रहा था हमारा। तो शाम का समय ये लगभग 4-5 बज रहा होगा, उस समय बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो यहाँ देखिए ओरियो भी साथ में नहा भी रहा है और भौंक भी रहा है। तो ये है, तो यहाँ सब नहा रहे थे क्योंकि सबके सिर में ना छोटी छोटी घमौरियाँ हो गई थी, मैंने जैसे आपको बताया। तो ये आयु वसु ने तो नहाया था, तो इनके सिर की घमौरियाँ चली गई, मतलब ठीक हो जाती है ऐसा कहते हैं, और सही में ठीक हो भी गई। तो मैंने तो अभी तक बारिश में मैं नहीं नहाई हूँ, लेकिन कहते हैं कि बारिश में नहाने से घमौरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट बार जब भी बारिश होगी तो ज़रूर इसका भी मज़ा लिया जाएगा। तो फिलहाल तो बच्चों को ही नहाने देते हैं, तो ऐसा है। और जब मतलब घर से आने के बाद क्या होता है ना कि आप मतलब एक तो घर सेटिंग करने में टाइम बीत जाता है, तो उसमें भी मैं बिज़ी हो गई थी, बट अब सारा घर सेट वेट हो गया। क्योंकि कितना भी आप करके जाओ, जब वापस आओगे तो आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। किचन वगैरह वैसे क्लीन था ही, क्योंकि दीदी लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं पटना गई हुई थी, तो दीदी लोग आई हुई थी जसीडी, तो उन्होंने क्लीन करके रखा था, घर ऑलमोस्ट क्लीन था, बट मेरे अकॉर्डिंग सारा कुछ रखा होना ज़रूरी होता है। तो उस वजह से मैंने दोनों अपने रूम का रैक वगैरह सारा क्लीन किया है, तो सब अब अच्छे से हो गया है। तो देखते हैं अब कहाँ तक मैनेज हो पाता है। तो ऐसा है। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो कि इतनी मतलब गैप क्यों हो रहा है वीडियो में, तो यही है कि मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो क्योंकि बच्चों के जाने के बाद काम वगैरह करते करते 10 बज जाते हैं, और सुबह उठती हूँ तो उस वजह से नींद इतनी तेज़ आती है ना। अब अभी आप देख लो 10 बज रहे हैं, 10:15 हो रहा है, और काम मेरा सारा ख़त्म हो गया, मतलब खाना वगैरह सारा कुछ बन चुका है, बस चावल बनाना है, मतलब बस चावल बनाना है, जो कि बच्चे आएंगे उसके पहले मैं बनाऊँगी। तो अब अभी नींद इतनी तेज़ आती है कि लगता है कि 1 घंटा सो जाए, और जब सो जाते हैं तो थोड़ा आलस हो जाता है, और सोने के बाद फिर मतलब 11:30 मतलब 12 बजे तक सोती हूँ, तो फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर खाना वाना करते करते फिर 3 बज जाता है, फिर उनको ट्यूशन मतलब होमवर्क वगैरह करवाना, फिर सारा कुछ कराना। पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं, उसके लिए सोचना तो पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि ऐसे नहीं होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कुछ वैसा वीडियो तो नहीं था, बट व्लॉग कुछ नहीं था, बट हाँ आपको बता दिया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ, क्योंकि एज अ फैमिली आपको पता होनी चाहिए कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ये है। और बच्चों के अब पेपर भी शुरू हो जाएंगे, तो उसमें मैं बिज़ी रहूँगी, क्योंकि देखिए कितना भी कुछ भी आप कर लो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई सबसे पहली प्रायोरिटी है, तो मैं उसमें बिल्कुल भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, और ना कभी कभी करूँगी अपनी अपने शौक़ के लिए, अपने पैशन के लिए मैं उनकी पढ़ाई को बिल्कुल भी मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो जहाँ मतलब मेरी ज़रूरत जहाँ होगी, जिस समय ज़्यादा ज़रूरत होगी, मैं उधर ही फोकस करूँगी। तो इसके लिए आप लोग
को प्लीज़ सपोर्ट करते रहना होगा, और आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही मैं मोटिवेट होती हूँ। तो क्योंकि अभी तक आपने बहुत साथ दिया है, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मैं अपने घर को मैनेज करते हुए भी चल सकूं और आपके साथ भी कंटिन्यू कर सकूं। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए, और थोड़ा मतलब आप भी पेशेंस रखिए, क्योंकि वीडियो डेली नहीं जा पाएगा, ये मैं फिर से बोल देती हूँ। मैं वीडियो डेली नहीं मतलब शूट कर पाऊँगी, क्योंकि अब देखो मैं फैमिली में, पहले मेरी बात अलग थी कि मैं अकेली थी तो मतलब वीडियो चला जाता था डेली वीडियो, या फिर एक दिन बीच करके चला जाता था। बट अब मैं फैमिली में हूँ, मतलब सास ससुर है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको भी, और मैं तो कर ही रही हूँ। तो बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और बहुत सारा प्यार देती रहिए, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, करूँगी और कर रही भी हूँ। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक सक्सेस हो पाता है, और जो होगा जैसे होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक बने रहिए वीडियो में, और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बने रहिए और खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा सपोर्ट कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा पसंद आए वीडियो तो, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की, और जो नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देती हूँ, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।